दिखने में लाजवाब और खाने में स्वादिष्ट हरी मिर्च के तड़के वाली स्वादिष्ट बेसन कड़ी। आज की रेसिपी में हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत कम सामान में आसान तरीके से बनी हुई स्वादिष्ट बेसन कड़ी की रेसिपी। हेलो एवरीवन, मैं किमी राठौर, आज की बेस्ट रेसिपी में आपका स्वागत है। आज की रेसिपी में हम बनाएंगे हरी मिर्च के तड़के वाली आसान तरीके से स्वादिष्ट बेसन कड़ी। बेसन कड़ी बनाने के लिए हमने 1.5 लीटर छाछ लिया है। बेसन कड़ी बनाने के लिए और हमने सामान ऐड किया है 1 बड़े साइज का कट किया हुआ प्याज, 10 से 12 हरी मिर्च, थोड़े छिले हुए लहसुन, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 चम्मच बेसन। इस तरह से हमने बेसन कड़ी बनाने की सामग्री तैयार कर ली है। जरूरत पड़ने पर बाकी सामान हम बाद में ऐड करेंगे। सबसे पहले हम प्याज, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का मिक्सर में पेस्ट बना लेंगे। मिक्सी के जार में प्याज ऐड कर देंगे, अदरक, लहसुन। अब हम इसमें हरी मिर्च ऐड कर देंगे। इन सारी चीजों को मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। इस तरह से हमने इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। अब हम सारे पेस्ट को जार से बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। हमने मसाले को मिक्सी के जार से बाउल में ट्रांसफर कर लिया है। बेसन कड़ी बनाने के लिए हमने गैस ऑन कर दिया है। अब हम इसमें अपने हिसाब से ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इसमें 1 टीस्पून जीरा ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून सौंफ, 1/4 चम्मच राई। अब हम इसमें प्याज लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। प्याज लहसुन के पेस्ट को अच्छे से मिला देंगे। अब हम इसमें थोड़ा हींग पाउडर ऐड कर देंगे, 7 से 8 करी पत्ता ऐड कर देंगे, 2 साबुत लाल मिर्च ऐड कर देंगे। गैस की आंच मीडियम रखेंगे और सारे मसाले को 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। हमें मीडियम आंच पर प्याज लहसुन के पेस्ट को भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। ये अच्छे से सिक गया है और सिकने के बाद इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसमें बाकी मसाले ऐड कर देंगे। गैस की आंच धीमी कर देंगे और इसमें 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड कर देंगे, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, अपने स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा गरम मसाला। सारे मसाले को अच्छे से मिला देंगे। अब हम इसमें थोड़ा पानी ऐड कर देंगे, अच्छे से मिला देंगे। हम सिर्फ हरी मिर्च की बेसन वाली कड़ी बना रहे हैं, इसलिए हमने इसमें लाल मिर्च पाउडर नहीं ऐड किया है। गैस की आंच धीमी रखेंगे और मसाले को 2 से 3 मिनट तक ढककर पकाएंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। मसाला सीख रहा है तब तक हम छाछ में बेसन ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। हमने बेसन को छाछ में अच्छे से मिला लिया है। हमें धीमी आंच पर मसाले को भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे देखते हैं। मसाला अच्छे से सीख गया है और इसकी खुशबू भी अच्छे से आ रही है। गैस की आंच बिल्कुल धीमी रखेंगे और इसमें छाछ ऐड कर देंगे। छाछ को अच्छे से मसाले में मिला देंगे। हमने बेसन वाले छाछ को मसाले में अच्छे से मिला दिया है। गैस की आंच धीमी रखेंगे और जब तक छाछ में एक उबाल नहीं आ जाता तब तक हम इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे। हमें धीमी आंच पर छाछ को पकाते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। छाछ थोड़ा पकने लगा है। ऐसे ही हम इसे लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक और पकाएंगे। हमें धीमी आंच पर छाछ को पकाते हुए टोटल 7 से 8 मिनट हो गए हैं। छाछ में उबाल आने लगा है। बेसन कड़ी बन गई है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब हम इसमें हरा धनिया ऐड कर देंगे। हरा धनिया को हमने साफ पानी से अच्छे से वॉश कर लिया था। हरा धनिया को भी कड़ी में अच्छे से मिला देंगे। अब हम कड़ी को बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे।
इस तरह से मसालेदार और चटपटी स्वादिष्ट बेसन कढ़ी बनकर तैयार है। इस तरह से बेसन कढ़ी बहुत कम सामान में झटपट से बन जाती है और ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगती है। इस तरह से बेसन कढ़ी बनाकर आप लोग पराठे, चपाती, राइस और ज्वार मक्की की रोटी के साथ भी खा सकते हो। तो फ्रेंड्स, कैसे लगे आप लोगों को हमारी बेसन कढ़ी बनाने की रेसिपी, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और यदि आप लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप भी अपने घर पर एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और हमारे तरीके से बेसन करी बनाकर टेस्ट करिएगा, ये आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। कल फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी में। धन्यवाद।